हेलो गाइस, दिस इज सागर शिवतेकर। और दोस्तों, आज हम भंडारदरा लेक साइड व्यू कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। 25 persons है टोटल, और अभिजीत भाई एज इट इज, और काफ़ी दोस्तों में मतलब जोश है जाने के लिए। देखते हैं वहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी पॉइंट्स है, वो मैं आज आपके पूरे वीडियो में दिखाते रहूँगा। एक्चुअली मैं जा चुका हूँ इस पॉइंट्स को, बट फिर भी दोबारा इसको रिवील कर रहे हैं। अलग अलग सीजन का अलग अलग मज़ा है। लेट्स गो फ्रेंड्स, भंडारदरा कैंप राइड के लिए। और काफ़ी सारे लोग नए हैं अभी जो फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं हमारे साथ। पुराने भी कस्टमर है जिन्होंने पहले भी राइड किया है, कैंप राइड हुए इससे पहले भी, काफ़ी सारा मज़ा हुआ है, एंजॉय किया सबने। तो इस बार के लिए अभी हम लोग यहाँ पे इतने हैं, या बसेज हम लोग 25 तक चल रहे हैं, और जो डीलरशिप है वहाँ से भी और लोग आ रहे हैं, और पूना से भी लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है। यहाँ से हम लोग अभी रूट बज्रेश्वरी, पहले हम लोग ने भिवंडी डिसाइड किया था, बट अभी हम लोग चल रहे हैं बज्रेश्वरी से। तो अभी सागर सर जो है हमारा शूटिंग ले रहे हैं, जो अपना ब्लॉग बनाएंगे सबका, वो लीड करेंगे। मैं विंग पे रहूँगा, या फिर ट्रैक पे और विंग पे मैं ही रहूँगा। मेरे पीछे दोस्तों, अभी हम अंबाड़ी के पास आ चुके हैं, अंबाड़ी से भिवंडी, और भिवंडी से नासिक हाईवे पकड़ेंगे। टोटल 25 बंदों का टीम है, काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ रहा है। और अभी बीच में जो है ट्रक का डायवर्जन हुआ है, इसकी वजह से जो है काफ़ी ट्रैफिक होने की संभावना हो सकती थी, बट फिर भी ये रोड जो है क्लियर निकल गया है। बहुत बेकार रास्ता है, खराब रास्ता है खूब। इतन भिवंडी वरुण बड़े प्लेस पे है। ये बीच का रोड है भिवंडी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक का डायवर्जन वहाँ से हुआ है, तो इसके लिए हमने विलेज को कवर करते हुए जाने का सोचा है। और राइड हम करते दोस्तों इसीलिए नई नई जगह को एक्सप्लोर करें, कल्चर को समझे और उस चीज़ का आनंद उठाए, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल पंप का तो काम है नहीं रोड रोड पर भागना। अगर हमें कुछ नई चीज़ों देखने का, कुछ कल्चर देखने का मौका मिल गया है, तो क्यों ना उसका आनंद उठाए। जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं तो वही करेंगे दोस्तों। आज मैं लीड कर रहा हूँ, और काफ़ी टीम पूरी जो है 18 बाइक पूरे पीछे है। एक बंदा जो हमारे लीडर है, चैंपियन, वो फोटो के लिए आगे गए हैं। तो अभी हम हाईवे के पास पहुंच रहे हैं, मुंबई आगरा हाईवे, मुंबई नासिक हाईवे। हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों हाईवे पे। अभी फर्स्ट वी आर अलाइन, दोस्तों अभी हम लोग खरड़ी के पास है। हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट फिनिश किया है, एक्चुअली लेट ही हो गया था, बट चलो चलते हैं। अभी डायरेक्ट नॉन स्टॉप है अगला राइड।
अभी मैं कैंप राइड की जगह पे जो लोकेशन है वहाँ पे आया हूँ और सारे बंदों ने अपना अपना टेंट एक्वायर कर लिया है, आप देख सकते हैं इधर टोटल्स टेंट्स हियर। काफी अच्छा लोकेशन बनाया है और अरेंजमेंट्स भी सभी की गई है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 90-95 पीपल्स है वहाँ पे, देख सकते हैं आप लेक है वहाँ, बोटिंग भी आप नीचे उतर के कर सकते हैं। और वहाँ पे अभी जो ये जो आरी का जो टेंट लगाया है ये एग्जैक्ट इधर, हाँ एग्जैक्ट इधर, यहाँ पे इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी गाड़ी भी रखी गई है और एंजॉय करने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे। देखते हैं और क्या क्या, अभी ऊपर भी जाते हैं थोड़ी देर के बाद। सारे दोस्त यहाँ पे अभी शाम का जो स्नैक्स है एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने ट्रिप के साथ। दोस्त लोग अभी फोटोशूट में बिजी है फिलहाल अपने अपने, और काफी बंदों ने बोटिंग कर ली है इस बार। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी काम की वजह से बोटिंग नहीं कर सका, सारी जो है शूटिंग लेने में बिजी है। सारे स्नैप्स उन्होंने ऑलरेडी ले चुके हैं और सारे ने काफी राइड को एंजॉय किया। अभी देखते हैं, मैं भी रंधा फॉल का अगर ऑर्गेनाइजर हमारा अगला ट्रिप ऑर्गेनाइज कर ले तो हो सकता है रंधा फॉल भी हम लोग देख के आए और वहाँ से सीधा मुंबई की तरफ रवाना हो जाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।